हेलो दोस्तों, बात करते हैं हिमाचल स्पेशलिटी केमिकल्स की। और गजब की रैली आई है, 6.5% के आसपास की बेहतरीन रैली देखने को मिली है। परसों मैंने वीडियो किया था इसके इस स्टॉक के ऊपर 62 का टारगेट दिया था हमने, और आपने जिन लोगों ने वीडियो देखा है प्लीज कमेंट करना नीचे किन किन लोगों ने वो वीडियो देखा था। और उसमें भी हमने बताया था कि स्पेशलिटी केमिकल इस समय पर काफी ज्यादा फायदेमंद स्टॉक हो सकता है आपके लिए। और आज देखिए 6.5% की बेहतरीन रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि वन डे रैली है, आगे आने वाले दिनों में भी स्पेशलिटी केमिकल यानी हिमाद्री की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर ये स्टॉक हमें काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या खरीदारी करना चाहिए आपको या नहीं, और कितना इतना पड़ सकता है, क्या कहां तक आपको स्टॉक लेकर के जाएगा, बेचना कब है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन यू नीड टू टेक। एंड अगर हिमाद्री की बात करें तो क्या आपका पैसा डबल हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, कोविड की सिचुएशन को लेकर के क्या स्पेशलिटी केमिकल प्रॉफिटेबल है इस समय पर, इसकी भी बात करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इस समय पर आपको जानना वो ये है कि देखो इस समय पर मार्केट में सेगमेंटेड ग्रोथ है। सेगमेंटेड ग्रोथ में आप देखोगे तो मेटल सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्रंच है एंड इंडस्ट्रीज में जो मेटल सेक्टर है हमारा, मेटल इंडस्ट्रीज में हमारे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यूज होती है। सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया एंड नालको हो गया, ये स्टॉक्स इस समय पर जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी ट्रांसफर कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ को। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा सेक्टर हमारा कौन सा था? आईटी सेक्टर था, जिसमें विप्रो वन ऑफ द टॉप गेनर था हमारा। तो विप्रो में ग्रोथ के चांसेस क्या थे? विप्रो भी हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है। क्यों? ट्रांस सेल के साथ उन लोगों ने पार्टनरशिप की, जो कि एक एआई के साथ, मतलब विप्रो एआई की तरह काम देगा, वहां पे अगमेंटेड इंटेलिजेंस की तरफ से काम करेगा और वैक्सीन को वो लोग चेक करेंगे कि कितना कारगर है ये, कितना एफिशिएंट है ये, कितना नहीं है। तो वो भी अनदर ए फर्म है जो वैक्सीन के दायरे में काम कर रहा है और इसी वजह से वो ग्रोथ में है। यानी कि कोविड के समय में जो जो कंपनीज कोविड में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प कर रही हैं वो स्टॉक्स हमारे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। फार्मा सेक्टर उनमें से एक है जो कि काफी तेजी से बढ़ा है। स्पेशलिटी केमिकल्स का नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी एक अच्छी ग्रोथ है क्योंकि इस समय पर जो वैक्सीन का क्रंच हमारे सामने, दवाइयों का क्रंच चल रहा है, ऐसे में दवाइयों की प्रोडक्शन में बहुत तेजी दिखानी पड़ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और यही एक बड़ा कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को दिए हैं ताकि दे कैन डेवलप वैक्सीनेशन। तो अभी यहाँ पर क्या करना है कि देखो बाकी दवाइयों का भी क्रंच है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड वैक्सीन का ही क्रंच है, बाकी दवाइयों का भी कहीं ना कहीं क्रंच देखने को मिल रहा है। यही एक बड़ा कारण है कि स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड बढ़ी है। और वही उसी वजह से मैंने परसों भी आपको बोला था कि खरीदारी करो स्पेशलिटी केमिकल्स में हिमाद्री में, और अच्छा प्रॉफिट आपका आने वाले दिनों में आएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर 6.5% की बेहतरीन ग्रोथ आई है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है, साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आई है और आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। बात करेंगे हिमाद्री के कुछ एक फंडामेंटल्स की, खरीदारी करके कितना टारगेट लेकर के चलो एंड अनदर क्वेश्चन कि बेचना कब है, ठीक है, कब निकल जाना है स्टॉक से, क्योंकि पिछली बार जो लोग नहीं निकल पाए थे उन लोगों को काफी वेट करना पड़ गया है इस बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी जानना। सबसे पहले अगर आपका चार्ट देखें खरीदारी करनी है या नहीं, तो देखो स्ट्रॉन्ग चार्ट है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया आया है, ग्रोथ इसी वजह से हुई है। अगर वॉल्यूम आता रहेगा तो ग्रोथ हमारी बरकरार रहेगी। चार्ट पैटर्न अगर आप इसका भी देखोगे तो आज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारा ब्रेक हुआ है, 47.85 रुपए का, 47.80 रुपए का जो हमारा रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ है। और जब भी कोई भी रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो वहां से स्टॉक हमारा बहुत तेजी से अपर साइड की ओर सेकंड रेजिस्टेंस की ओर निकलता है। सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 51 का है, तो ये तो मान लो कि 51 तक हमारा स्टॉक आसानी से रैली करने वाला है आने वाले एक हफ्ते में, ठीक है। बट खरीदारी करते हैं तो कितना टारगेट लेकर के चले वो बात करें तो देखो सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे इस कंपनी के, और फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है। जून में प्रॉफिट था और उसके रेवेन्यू बढ़ा हमारा सितंबर में, देन दिसंबर में रेवेन्यू बढ़ा। लगातार अगर दो क्वार्टर से देखो तो कहीं ना कहीं सितंबर से दिसंबर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें डिक्रीज हुआ है हमारा, और यही नेट प्रॉफिट का भी केस है हमारा कि सितंबर से दिसंबर में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। और यही एक बड़ा कारण था कि जब क्वार्टर थ्री का नंबर आए तो हिमाद्री में फिर गिरावट शुरू हो गई थी। इस बार क्वार्टर फोर के जो नंबर है, एक्सपेक्टेड नंबर है, वो काफी अच्छे आने की उम्मीद है, काफी अच्छे आने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हिमाद्री में एक अच्छी रैली बरकरार रहेगी आने वाले दिनों में भी। बट क्योंकि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई है और कि नंबर्स कब आएंगे, हमारे क्वार्टर फोर का रिजल्ट कब तक आएगा, जब भी आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। यहाँ पर देखो डिविडेंड के तौर पर भी देखो तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू के तौर पर देखो तब भी कंपनी अच्छा काम कर रही है,
कई बार आप स्टॉक में पैसा लगाते हो और स्टॉक नहीं बढ़ता है बट स्टिल यू अर्न इन रेवेन्यू सॉरी इन डिविडेंड, तो डिविडेंड में तो पैसा आप अर्न कर ही रहे हो इस कंपनी में। और वैसे भी इस कंपनी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो काफी अच्छा रहा है। 9 फरवरी को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के पिछले महीने, बट देन अभी डिले हो रहा है थोड़ा सा, तो वो होता रहेगा। 18 सितंबर को 15% का आपको डिविडेंड मिला था, इंटरिम डिविडेंड था मतलब फेस वैल्यू पर डिविडेंड मिला था, बट स्टिल 15% इज एनफ टू कवर योर लॉसेस। 17 सितंबर 2019 को भी आपको 15% का डिविडेंड मिला था, तो कहीं ना कहीं जो लॉस है आपका वो डिविडेंड से कवर हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी में जो डिमांड इस समय पर बढ़ी है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो आपको अवसर जो मिला है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी जो मिली है उसको ही यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो निकलना नहीं है स्टॉक से, ये बात तय कर लेनी है। खरीदारी करनी है तो देखो मेरी मानो तो खरीदारी कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 5% ऑफ टोटल कैपिटल। जितना भी आपका कैपिटल है उसका 5% से कम का पैसा ही इसमें इन्वेस्ट करना। छोटा स्टॉक है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपका डबल कर सकता है, बट फिर भी रिस्क इसमें ज्यादा रहता है कंपेयर टू अदर लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर खरीदारी करनी है, 5% पैसा इस स्टॉक में लगाना है, नॉट मोर देन दैट पैसा बनेगा इस स्टॉक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्निकल सी फंडामेंटल अच्छे हैं हमारी कंपनी के, टेक्निकल सी अगर हम बात करें तो 45 का आपको यहाँ पर सपोर्ट लेकर के चलना है, और अपर साइड की बात करें 51 का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में 51 आता हुआ देखने को मिलेगा हमें, अगर बाजार हमारा इसी तरह से सपोर्टिव रहता है जैसा इस वीक रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने बताया था 62-66 का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हो, कोई दो राय नहीं है इसमें। हिमाद्री वोंट डिसअपॉइंट यू, हिमाद्री में आपको पैसा बना के देगा, सीएल पे पैसा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बात बाजार की करें तो बाजार पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, बाजार में अगर गिरावट होती है चाहे कोरोना को लेकर के हो चाहे किसी और रीजन की वजह से हो, अभी तो कोरोना ही सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे सामने, जिस तरह से म्यूटेंट क्रिएट कर रहा है ये, गुजरात में नया म्यूटेंट मिला है, आंखों के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे आंखें खराब हो रही है, थोड़ा सा बचाव रखिए। गवर्नमेंट ने अगर बेवकूफी नहीं की होती, वैक्सीन दान नहीं की होती, पहले अपनी पॉपुलेशन को लगाया होता जैसे और कंट्रीज ने किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी पॉपुलेशन सेफ होती। जिनके घरों से लोग जा रहे हैं या जो लोग बीमार हैं उन्हें पता है, जो लोग सेफ है उन्हें गवर्नमेंट को तारीफ करने दीजिए, उनकी अलग बात है, बट स्टिल यहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरी कहीं ना कहीं फेल हुई है। ऐसे में अगर बाजार में गिरावट होती है कोविड की डर की वजह से, तो HSCL में भी गिरावट होगी, क्योंकि डर सबसे पहले आएगा, लालच से भी पहले डर आएगा, वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अगर बाजार में गिरावट होती कोविड को लेकर के, तो यहाँ पर हिमाद्री में भी गिरावट होगी, तो आपको थोड़ा संभलना है, पेशेंस रखना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार नॉट मोर देन 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करो इसमें, सिर्फ 5% लगाओ इसमें, पैसा डबल होगा ये तय है, कोई दो राय नहीं है, बट ज्यादा पैसा लगा दोगे रिस्की इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में लॉस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए सिर्फ 5%। बाकी बाजार को थोड़ा सा मैनेज करके चलना है, बाजार के ऊपर रखनी है नजर। FII DII की बात करें तो कभी कभी देखो दो दिन से तो DII यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और FII खरीद रहे हैं माल, तो भी अच्छा है, बाजार अगर न्यूट्रल जोन में भी बना रहता है इन लोगों की वजह से तो अच्छी बात है। रिटेल इन्वेस्टर को इनके मूव से मूव मिला करके ही चलना होता है, इनकी स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजी मिला करके ही चलना होता है। बाजार न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल बने रहो, खरीदारी करो तो लंबे समय के लिए करना, नॉट मोर देन 5% का रूल याद रखना आप यहाँ पर। हिमाचल एक अच्छा स्टॉक है, 6.5% का रिटर्न दिया है, आगे आने वाले दिनों में भी एक अच्छा रिटर्न देगा आपको, बने रहिए, होल्ड कीजिए। टेक्निकल्स हमारे काफी बढ़िया है, मैग्डी हमारा स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है, RSI हमारा बुलिश जोन में है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, प्राइस मोमेंटम अच्छा है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बरकरार है, खरीदारी आगे भी आती रहेगी, स्टॉक आगे भी बढ़ता रहेगा। खरीदारी करने की सलाह 5%, होल्ड करने की सलाह मेरी यहाँ पर है कि लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।